कम ऑन गर्ल्स, जल्दी जल्दी बाकी सब लोगों की मेहंदी कंप्लीट करो। आई वॉन्ट कि अब से तुम सब लोगों का ध्यान सिर्फ दुल्हन पर होना चाहिए। मेरी बेटी की मेहंदी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होनी चाहिए। Hey you, Imli, रिवा इंग्लिश मैडम, आप हमारी इतनी बड़ी फैन है कि हमारा नाम लेते साथ ताली बजावत है। चलिए अब बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो आपका हमरे बिना पूरा ही नहीं होता। मैं सोच रही थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी तुम मालिनी के हाथ में मेहंदी क्यों नहीं लगा देती। वो एक काम तुमने बहुत अच्छा किया था ना, है ना मालिनी? अच्छा नहीं मॉम, बहुत अच्छा किया था। देखिए हम यहाँ रिपोर्टिंग करे खातिर आए हैं, मेहंदी लगाए खातिर नहीं। ठीक है, पर इमली तुम तो कह रही थी कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही थी। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी बड़ी बहन के हाथ में मेहंदी लगा ही सकती हो ना। आप हमारा टेस्ट ले थे कुछ ऐसा ही समझो। तो आप भी समझ लीजिए कि हमका हर टेस्ट में अव्वल आई की आदत है। तुम्हारी हर अच्छी बुरी आदत मुझसे बेहतर कौन जानता है इमली? मैं जानती हूँ कि कॉन्फिडेंस ये एटीट्यूड सब ठोक गए। अच्छा अब बात हमका समझ में आई। आपको ये लागत है कि एक ही साल पहले गांव से आई एक लड़की शहर भी समझ गई और शहरी रिश्ते भी। ये बात आपको हजम नहीं होता ना? कोनो बात नहीं, हम आपका हाजमा ठीक कर देते। नहीं और हाँ, आदित्य का नाम जरूर लिखना। आप उनका मेहंदी लगाए खातिर कहीं हैं, टेंशन मत लीजिए, 10 में से 10 लाई हैं हम। लीजिए आ गए 10 में से 10। ये क्या बदतमीजी है इमली, मेरी मेहंदी तुम्हें मजाक लगती है? अरे आप ऐसा काहे बोला था, आप ही हमारा टेस्ट ले रहे हैं ना, और हम 10 में से 10 लाए, पूरे नंबर से पास हुए हम। यू ब्लडी नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की मेहंदी खराब करने की? जानिया ओ दिल जानिया, इश्क का कसूर दिल की मनमानिया। जानिया ओ दिल जानिया, इश्क का कसूर दिल की मनमानिया। भले ही कोई आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाता मिसेस चतुर्वेदी, लेकिन मैं औरों की तरह नहीं हूं। कल मैंने आपको वार्निंग दी थी, मेरे स्टाफ की इंसल्ट मतलब मेरी इंसल्ट।
लगता है आप कल की बात भूल गई, इसलिए एक नई बात याद दिला देता हूँ। आपके कॉन्ट्रैक्ट में है कि इस शादी की एक एक सेकंड रिकॉर्ड होनी चाहिए। आपकी की हुई हर सलील हरकत हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मिसेस चतुर्वेदी, सो डोंट यू डेयर मिसबिहेव विद माय स्टाफ। हमारे न्यूज़पेपर और चैनल्स में हम क्या दिखाते हैं यह हम डिसाइड करते हैं, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी लीगल इशू में फंस जाएं, एंड दैट वॉन्ट बी आर प्रॉब्लम। What do you mean by legal issue? आपके बैकग्राउंड के बारे में ना जानने की गलती मैं कर चुका हूँ मिसेस चतुर्वेदी, और आर्यन सिंह राठौर अपनी गलती दोहराता नहीं है। आप एक बार जेल जा चुकी हैं, अगर दोबारा आपको जेल नहीं जाना तो अपने हाथ और अपनी बात दोनों को कंट्रोल कीजिएगा। Let's go, Emily. तुम लोगों को एडिट पे भी जाना है। अपर्णा, तुझे ये सब देख के भी नहीं लगता कि इमली और आर्यन के बीच में कोई रिश्ता है? थोड़ी सी देर में ना मैंने बहुत कुछ देख लिया भाभी। मैंने देखा कि अनु जी ने एक बार फिर इमली पर हाथ उठाया, लेकिन उस हाथ को रोकने के लिए हम में से किसी का हाथ नहीं उठा। जब से इमली इस घर में आई है, इस घर पर आई, हर मुसीबत का उसने ढाल बनकर सामना किया है, लेकिन हम उसकी ढाल बन ही नहीं पाए। आज आर्यन ने जो किया मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया, और उस लड़के ने जो भी किया मर्यादा में रहकर किया, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है, उसे अच्छी परवरिश मिली। मैं नहीं जानती कि इमली और आर्यन दोस्त हैं भी या नहीं, लेकिन अगर इमली की जिंदगी में आर्यन जैसा दोस्त है तो मैं खुश हूं। अपर्णा, तू ये क्या कह रही है? तू चाहती है कि इमली और आर्यन की दोस्ती और गहरी हो जाए? तो क्या भाभी, दोस्त की जरूरत किसे नहीं होती, लेकिन एक इमली ऐसी लड़की है जिसे किसी भी मुसीबत में ना तो दोस्त याद आता है ना परिवार। देखा नहीं आपने, उसे जिंदगी में दूसरी बार अपनी ही सौतन के हाथ पर मेहंदी लगाने को कहा गया आज। कैसे उस लड़की ने संयम बनाकर रखा, बात को हैंडल किया। बहुत हिम्मत है उस लड़की में, बहुत हिम्मत वाली है। इमली इतनी स्ट्रांग कैसे है मॉम? अब तो मैंने उसे उसका सब कुछ छीन लिया, फिर भी वो हंस रही है, और मैं, मेरे पास मेरा हस्बैंड है, मेरा ससुराल है, वो सब कुछ जो इमली ने मुझसे छीना था मैंने उससे वापस ले लिया, फिर भी वो तड़प क्यों नहीं रही, वो रो क्यों नहीं रही है मॉम? उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा? आदित्य को खोने का जितना दर्द मुझे हुआ था उतना उसे क्यों नहीं हो रहा? वो क्यों रो क्यों नहीं रही है? बस बेटा, बस सिर्फ मुझे क्यों दर्द हो रहा है, उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा मॉम? बस करो बेटा, मैं जानती हूँ कि इमली का भी दिल टुकड़ा टुकड़ा होकर के टूट रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी औरत अपना प्यार खोने के बाद इतनी इजीली मूव ऑन नहीं कर पाती। तुम्हें इमली का दर्द देखना है ना, तो मैं तुम्हें वो दर्द दिखा कर रहूंगी जो वो छुपा रही है।